अभी लेके जा रहे हैं हम घर, फार्म पे जाके भेटेंगे, तो फार्म पे जाके मिलेंगे, कैसा बकरी है वो सब दिखाएंगे। देख लीजिए बीच में बिठा दिए, अंकल ने बैठ बैठ गए, अभी चल रहे हैं। गोट डर गया बाबा, गोट डर गया। हाय फ्रेंड, जय गोपाल, जय गो माता। तो आज फिर से आपको एक न्यू ब्लॉग में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा फार्म में एक न्यू गोट लेके आया हूँ। जो गोट लाने का वो पीछे का रीजन भी इस वीडियो पे बताऊँगा, क्योंकि आप सभी को पता चलना चाहिए कि गोट क्यों ला के रखे हैं। तो वो एक रीजन है जो बताना है, शेयर करना है, और दूसरा आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्रीड पे मैं काम किया हूँ और कौन सा नस्ल यहाँ पे लेके आया हूँ और कितना बकरी लेके आया हूँ, वो सारे चीज़ इस वीडियो पे आपको पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को पता चलेगा कि कैसे हम डेयरी फार्म में प्रॉफिट कमा के फार्म को आगे लेके जाएंगे और फार्म को आगे लेने के लिए क्या क्या स्टेप करना पड़ता है। तो वो सारे चीज़ आप सभी को मेरा वीडियो पे पता चलेगा। तो आप लोगों को मेरा चैनल पे बने रहना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि उससे हमको हौसला मिलता है, आपका सपोर्ट मेरे को और आगे बढ़ाएगा, और आपका सपोर्ट से ही, आप सभी का सपोर्ट मेरे को चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग मिलजुल के उसको सॉर्ट आउट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा आसपास में जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो लोग भी फार्म करने पे के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि तो ये देखिए अपना फार्म का फर्स्ट बकरी है जो हमारा गाय के साथ रहते है। तो अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डॉन है और इसके पास एक बेंच रखा गया था, तो उसमें वो बैठती है। तो देखिए वो बकरी क्या है कि ऊंचा जगह देखेंगे तो वहाँ पे ही बैठेंगे, उनका वो काम ही वैसा है कि ऊंचाई में बैठने के लिए, तो उनको अच्छा लगता है ऊंचाई में बैठने के लिए। देखिए तो ये है अपना फर्स्ट बकरी फार्म का, तो हम ला के रखे हैं, तो देखेंगे आगे फ्यूचर क्या है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे ला के रखे, तो यहाँ पे उसके लिए खाने के लिए कटहल का पत्ता यहाँ पे रखे हैं, तो वो आराम से खा रही है, देख रहे हैं। और इसका ब्रीड जो है सिरोही है, और इसका ये हो गया है 4 मंथ का है, 4 से लेके 5 मंथ तक है इसका। तो ब्रीड जो है सिरोही का पूरा प्योर नहीं है, क्योंकि देसी क्रॉस में है, तो इसीलिए थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, नहीं तो और भी बड़ा हो जाता लेंथ में साइज़। और अभी देख पा रहे तो हमारा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है बकरी में, तो इसीलिए हम एक बकरी लेके आए हैं, ताकि कुछ मतलब बाद में धीरे धीरे 2-4 बकरी रखेंगे यहाँ पे, तो ऐसा प्लानिंग है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि ये जो नस्ल है ये कैसा है, सही है कि नहीं, तो ज़रूर बताइए। तो देखिए इसका करीब लाते हैं। तो बहुत लोगों का मन में ये आ रहा होगा कि हम गौ माता का सेवा कर रहे हैं, उसके बाद बकरी फार्मिंग में क्यों लगे हैं। तो ये एक मतलब हम ट्रायल बेसिस में बकरी ला के रखे हैं, हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है बहुत ज़्यादा बकरी करने के लिए, मगर कुछ रखे हैं ताकि हम जब ब्रीडिंग पे काम करेंगे, और आजकल आप सभी को पता है बकरी में खाना तो ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, जो ग्रास में ग्रास आपके पास मिलेगा तो ज़्यादा, तब क्या है कि आपका बकरी का ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ इनकम होगा तो वो हमारा मेंटेन कर देगा हमारा फार्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे क्या है कि फार्म को भी आगे लेके जाना है, तो वो इसके वजह से हम मुर्गी का फार्म को बंद कर दिए और कुछ बकरी रखे हैं, ताकि ब्रीडिंग के प्रपोजल में रखेंगे,
और एक बकरा भी ला के रखेंगे ताकि पास का जो भी बकरी वगैरह आएंगे उसके साथ क्रॉस करने के लिए हेल्प हो जाएगा। जो कमाई होगा वो आके फार्म पे लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, कुछ तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो उसी के वजह से मैं एक बकरी ला के रखा हूँ। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि बकरी कौन सा नस्ल ला के रखने से और अच्छा रहेगा। तो मैं सिर्फ ये एक बकरी लाया हूँ, तो अभी सोचा हूँ एक मेल लाने के लिए। तो मेल इतना जल्दी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो जब मिलेगा मैं ला के रखूँगा। तो आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट दीजिए कैसा लगा ये सिरोही नस्ल। हमें ज़्यादा इसको मैं जो है देसी नस्ल को पकड़ा हूँ यहाँ पे, देसी का जो क्रॉस है, इसीलिए कि पूरा प्योर ब्रीड यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट में सूट नहीं करेगा। उसके वजह से मैं भी डेथ हो सकता है कि बहुत सारा बीमारी आएगा, तो उसके वजह से मैं देसी नस्ल को चुना हूँ। तो इसीलिए मैं देसी क्रॉस में लेके आया हूँ। तो ये एक ट्रायल बेसिस में देखेंगे इसको, ये तो हमारा फार्म में हमेशा के लिए रहेगा और देखेंगे आगे वो कैसा ग्रोथ होता है। 4 मंथ में इतना है अभी आने के बाद, अभी बाद में कितना होगा वो सब मेडिसिन वगैरह देने के बाद पता चलेगा कितना वेट होगा। तो अभी जो है फिलहाल इसका वेट है 10 kg अप्रोक्स। और इसका प्राइस जो हुआ, मैं जो लाया था तो एक्चुअली मैं 5500 में बात हुआ था, नहीं मिला तो 6000 टोटल लग गया इसको। तो आप लोग मेरे को बताइए कि 6000 में ये सिरोही क्रॉस में जो है देसी, वो सही है कि गलत है, डिसीजन सही लिया कि नहीं, तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए। तो हमारा ये मकसद है कि कैसे फार्म को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आजकल का मतलब आप लोग को सबको पता है कि बाहर में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके जगह में हम खुद को अपना, जैसे कि मोदी जी बोले आत्मनिर्भर भारत, तो उसके लिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के लिए तो हमको हर स्टेप लेना पड़ेगा ताकि हम लोगों को पता चले कि किस में प्रॉफिट है और कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे एक फार्म को। तो वो सारे चीज़ इसी से जुड़ता है। तो हम लोग, मैं हमेशा बताता हूँ कि हम कुछ भी यहाँ पे स्टेप लेंगे तो आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि ये स्टेप काम कर रहा है या नहीं। तो इसी की वजह से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट दीजिए, और कमेंट देने से मेरे को भी अच्छा लगता है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।